हेलो फ्रेंड्स, आज हम हमद नंबर एक नज़्म जो कि हमद है जमात आठवीं जमात की, आज हम इस वीडियो में हमद देखने जा रहे हैं, जिसमें पहली बात दी गई है, अच्छी बात वो है जो सलीके से कही जाए और बेहतरीन बात वो है जो खुदाए बरतर के लिए की जाए। आमतौर पर शायर अपनी शायरी का आगाज़ अल्लाह की तारीफ, इसकी सिफात के बयान और इसके बारे में गुफ्तगू से करता है, ऐसी शायरी को हमद कहते हैं। अल्लाह ख़ुद भी इस बात को पसंद करता है कि इसके बंदे इसकी तारीफ़ और हमद और सना करते हैं। देखते हैं आज की हमद, जिसमें अल्लाह ताला की सिफात बयान की जाती है, जिसमें उसकी तारीफ़ की जाती है, ऐसी शायरी को हम हमद कहते हैं। तो अक्सर शायर अपनी शायरी का आगाज़ अल्लाह की तारीफ़ से और उसकी सिफात से ही करता है। यहाँ पर अमीर इनाई जो कि शायर हैं, उनका तारुफ दिया गया है। अमीर मीनाई का असल नाम अमीर अहमद था। वो सन 1828 में लखनऊ में पैदा हुए। अमीर मीनाई ने यूं तो शायरी की तमाम असनाफ में तबाह आजमाई की है, लेकिन गज़ल इनका ख़ास मैदान है। इनकी शायरी में ज़बान की सेहत और रोज़मर्रा का खुसूसी अहतमाम मिलता है। अमीर मीनाई पहले नवाब वाजिद अली शाह के दरबार से वाबस्ता रहे, फिर रामपुर से जुड़ गए, आखिर वक्त में वह हैदराबाद चले गए थे। अमीरुल लुगात इनका अहम कारनामा है। इनके तसानिफ़ में मिरातुल ग़ैब, सनम खान इश्क, दीवान नूर तजल्ली और अब्र करम नातिया मसनविया शामिल हैं। सन 1900 में हैदराबाद में इनका इंतकाल हुआ। अमीर मीनाई, जिनका असल नाम अमीर अहमद था, और इन्होंने हर तरह के असनाफ़ यानी कि नज़म नसर हर तरह के लिखे हैं, असनाफ लिखे हैं हर तरह की किस्म की, इन्होंने उर्दू में अपने तबाज़माई की है, लेकिन गज़ल इनका ख़ास मैदान था, यानी गज़ल में इन्हें महारत थी, या गज़ल इन्होंने हमेशा गज़ल में अपना जलवा दिखाया है। और इसी के साथ ये इनके तमाम अमीर लुगात इनका अहम कारनामा है, और इन्होंने कई मसनविया भी लिखी हैं। तो देखते हैं ज़ैल की हमद। दूसरा कौन है जहाँ तू है, कौन जाने तुझे कहाँ तू है, लाख पर्दों में तू है बेपर्दा, सौ निशानों में बेनिशा तू है। तू है खलुत में, तू है जलवत में, कहीं पन्हा कहीं आया तू है, नहीं तेरे सिवा यहाँ कोई मेज़बान, तू है मेहमान तू है, रंग तेरा चमन में बो तेरी, खूब देखा तू बागबान तू है, ना मकाम में नाला मकाम में कुछ जलवा फरमा यहाँ वहाँ तू है, महरम राज तो बहुत है अमीर, जिसको कहते हैं राजदान तू है। नीचे देखिए खुलासा दिया गया है कि अल्लाह ताला की शान को कोई नहीं समझ सकता। ये अजीब बात है कि लाख पर्दों के बावजूद वो हर जगह पहचाना जाता है, हर जगह इसके वजूद की निशानियाँ हैं, फिर भी कोई इसका निशान नहीं बता सकता। जलवत वो खलवत में वो मौजूद है, यानी इसकी कुदरत कहीं जाहिर है तो कहीं छिपी हुई है। पहले शुरुआत में जो शायर कह रहा है कि अल्लाह ताला की शान में, वो अल्लाह ताला की तारीफ बयान कर रहा है कि अल्लाह ताला को जो कि पर्दे में है लेकिन फिर भी बेपर्दा है, यानी कि वो हर जगह मौजूद है, हम उसे अपनी आँख से नहीं देख सकते लेकिन वो हमारी शहरक से भी ज़्यादा हमारे नज़दीक है, फिर भी कोई इसका निशान नहीं बता सकता। जलवत और खलवत, खलवत यानी कि तन्हाई, जलवत यानी कि लोगों का मजमा या अंजुमन या ग्रुप या सबके सामने, इस तरह से तो इसकी कुदरत कहीं जाहिर है तो कहीं छिपी हुई है। सारी कायनात उसी की कारीगरी है, सारी निशानियां इसी की कुदरत को जाहिर करती है, हर जगह वो ही वो है। इसे शायर ने यूँ कहा है कि वही मेहमान है और वही मेज़बान है। बाग है जहाँ में रंग रंग के फूल हैं, और इनको रंग और खुशबू अल्लाह की कुदरत से ही मिले हैं। वो ना मक्का में है और ना ला मक्का में है, फिर भी वो सब जगह अपना जलवा दिखा रहा है। शायर कहता है कि सारी कायनात अल्लाह ताला ने ही तामिर की है, जो कि हकीकी बात है। सारी निशानियाँ इसी की कुदरत को जाहिर करती हैं, जैसे कि चाँद सूरज, ये सब हमें अल्लाह ताला की कुदरत को जाहिर कराती है, और हर जगह वही वो है। शायर ने ऐसा कहा है कि वही मेहमान भी है और वही मेज़बान भी है। बाग में जहाँ बाग़ जहाँ में रंग रंग के फूल हैं, इन
इनको रंग और खुशबू अल्लाह की कुदरत से ही मिली है। हम देखते हैं कि हर किस्म के फूल हैं और उसमें हर तरह की अलग अलग खुशबू है। ये सब क्या है? अल्लाह ताला की कुदरत को बयान करता है। हर जगह जो भी हम देखते हैं, सुबह शाम दिन रात, हर तरह पूरी कायनात में हर चीज़ को अल्लाह ताला ने बहुत ही अच्छे से और इंसान के फ़ायदे के लिए बनवाया है। चाँद सूरज ये सब अल्लाह ताला की ही देन है, जो हमारे लिए इस दुनिया के लिए, हमें जीने के लिए सब में ज़्यादा ज़रूरी है। यही यहाँ पर शायर कहना चाहता है कि वही मेहमान है और वही मेज़बान है। हर तरह के रंग, हर तरह के खुशबू, हर तरह की जो भी कायनात में जितनी भी चीज़ें मौजूद हैं, ये सब खुदा ताला की ही कारीगरी है, सब खुदा ताला की कुदरत को ज़ाहिर करती है। वो ना मक्का है और ना ला मक्का है, फिर भी वो सब जगह अपना जलवा फरमा रहा है। यानी कि अल्लाह ताला का जलवा हमें हर तरफ देखने को मिलता है। भले हम उसे अपनी आँखों से नहीं देख सकते, वो पर्दों में है, लेकिन वो हर जगह है। उसकी ये सारी निशानियाँ हैं, फिर भी इसका कोई निशान नहीं बता सकता। जब हम तन्हाई में होते हैं, तभी भी हम अल्लाह ताला को याद करते हैं, अल्लाह ताला से मांगते हैं। चाहे हम सबके बीच हो, तभी भी अल्लाह ताला हमें देखता है, हमें सुनता है। और चाहे हम तन्हाई में उससे बात करते हैं, तभी भी हमें सुनता है, देखता है। उसकी ये सारी कायनात जो है वो अल्लाह ताला की देन है, अल्लाह ताला की कारीगरी है। और ये सारी निशानियाँ अल्लाह ताला की कुदरत को ज़ाहिर करती हैं। और इस हमद में शायर ने अल्लाह ताला की सिफात को बयान किया है, उसकी खूबियों को बयान किया है, उसकी कुदरत की निशानियों को बयान किया है, और हर जगह से अल्लाह ताला की खूबी को बयान किया है। देखते हैं नीचे मानी इशारात दिए गए हैं। खलवत यानी कि तन्हाई, जलवत अंजुमन है इन सब के सामने, पन्हा छिपा हुआ, आया अलानिया ज़ाहिर, जलवा फरमाना किसी ख़ास अंदाज से सामने आना। तो अगले सबक में, अगले वीडियो में हम अपना अगला सबक देखेंगे। यहाँ पर आठवीं जमात का पहली नज़्म जो कि हम थी, वो हम आज मुकम्मल हुई है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल के साथ बने रहें और हमारे वीडियो को शेयर और लाइक करें।